गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डेफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है और किसी भी तरीके से आपको स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम्स या रुकावट हम लोग आपको आने नहीं दे रहे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में यदि हम अपने स्टडी की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 आप लोगों का चल रहा है और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंसेज इन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में बताए थे। आज हम उन्हीं से थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे और आज मैं आपको रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में बताऊँगा कि आयरन पर कैसे रस्ट होता है, कैसे जंग लगता है, उन सब चीज़ों को जानते हैं। आइए चर्चा करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए केमिकल चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फेमिलियर। आपने जंग लगते हुए लोहे को देखा होगा, हर जगह लोहे पर जंग लगता है। यू नाउ विल डैट इफ आयरन आर्टिकल्स आर लेफ्ट इन ओपन फॉर सम टाइम दे गेट कोटेड विथ ए ब्राउन पाउडरी सबस्टांस कॉल्ड रस्ट। आपने देखा होगा कोई लोहे वगैरह पर जंग लग जाता है और उस जंग को नीचे ब्राउन कलर का एक पाउडर निकलता है। देखा होगा आपके घरों में कोई गेट वगैरह होगा, उस गेट पर जंग लग गया होगा और वहाँ पर ब्राउन कलर का पाउडर निकल रहा होगा। वो पाउडर है ना, वही जंग है। अंडरलाइन करेगा, कोटेड आयरन विद ए ब्राउन पाउडरी सबस्टांस कॉल्ड रस्ट। द प्रोसेस ड्यू टू विच आयरन चेंज इनटू रस्ट कॉल्ड रस्टिंग। और इस प्रक्रिया को ही रस्टिंग, जंग लगना कहते हैं। आखिरकार ये सब चीज़ें क्या होती है, इसको मैं पहले वीडियोज में बता चुका हूँ, आज हम फिर जानते हैं टॉपिक के द्वारा। इन अदर वर्ड्स, द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पाउडर मटेरियल ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। दूसरे शब्दों में ये बात करूँ तो किसी भी आयरन पर भूरे रंग की जो परत जमती है उसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लगना कहते हैं। इन हैज बीन फाउंड दैट रस्टिंग टेक प्लेस ओनली इफ द आयरन ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्ट एयर। आपने देखा होगा नमी की कंडीशन में, नमी वाले वातावरण में लोहे पर जंग जल्दी लगता है। एस मैटर ऑफ फैक्ट द रस्टिंग ऑफ विल टेक प्लेस ओनली इफ वाटर एंड ऑक्सीजन कम इन कॉन्टैक्ट विथ आयरन एट सेम टाइम। यानी जब भी किसी आयरन के कॉन्टैक्ट में ऑक्सीजन और वाटर आता है तो उस पर जंग लगने का प्रोसेस ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको इसको इस प्रकार से रिएक्शंस के थ्रू भी लिख सकते हो, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर और इन तीनों से मिलकर जो बनेगा ना वो रस्ट बनेगा और इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? आयरन, ऑक्सीजन और वाटर जब तीनों एक साथ मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? रस्ट, जंग लग जाएगा उस पर। इन फैक्ट नो रस्टिंग विल टेक प्लेस ओनली एयर ओनली वाटर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद आयरन। यदि ओनली एयर मिल रहा है, ओनली वाटर मिल रहा है तो उस पर रस्ट नहीं होगा। एज द मोस्ट एयर कंटेंट्स बोथ देयर पर आयरन ऑब्जेक्ट गेट रस्ट ईजली। यानी दोनों ही चीज़ें उसे मिल रही है उस पर आसानी से जंग लग जाएगी। नेक्स्ट पेज पर आइएगा। रस्टिंग इज ए वन केमिकल चेंज, ये प्रकार का केमिकल चेंज है विच स्लोली डिस्ट्रॉय आयरन आर्टिकल्स, लोहे को धीरे धीरे खराब कर देता है। यू नो दैट आयरन गेट्स चेयर्स रूफ्स मशीन इन फैक्ट ऑल आयरन आर्टिकल्स गेट रस्टेड इन द ओपन। आपने आपके घरों में चाहो तब कई सारे लोहे की वस्तु देखे होगी जो खराब हो जाती है नीचे से। आयरन यूज फॉर मेकिंग ब्रिज, कार, शिप, रेल, लार्ज नंबर ऑफ मशीन। कई सारी लोहे की वस्तुएं, पुल देखे होंगे आपने, रेल देखे होंगे, कार वगैरह, जहाज वगैरह, आपने कई सारी चीज़ें देखी होगी। द लॉस ड्यू टू रस्टिंग ऑफ जंग लगने के कारण हमें कई नुकसान होता है, हमारे गेट खराब हो जाते हैं, लोहे की चीज़ें जल्दी खराब हो जाती है। सो हाउ टू प्रिवेंट रस्टिंग, तो हम जंग से कैसे बचे? तो आज हम समझे जंग कैसे लगता है। कोई भी आयरन के कॉन्टैक्ट में यदि ऑक्सीजन वाटर आ जाए तो उस पर रस्ट लग जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के बारे में बताऊंगा। वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से लास्ट तक समझिए और कोई भी चीज़ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हो। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।